आज जो है हम लोग अपने ही बच्चों से बात करने जा रहे हैं कि उन बच्चों ने मैट्रिक एग्ज़ाम में कितना अच्छा स्कोर किया और कैसे किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है जी कोचिंग सेंटर की जो सबसे टॉप बच्ची है पूजा कुमारी, उससे बात करते हुए पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँची। तो चलिए आप बताइए यहाँ तक कैसे पहुँची, मेहनत से पहुँची कि साइकिल से पहुँची? मेहनत से पहुँची। ये मेहनत से पहुँची हैं। और आप कैसे पहुँचे हैं भाई? मेहनत से। ये भी मेहनत से पहुँचे। और आप? मेहनत से। ये भी मेहनत से पहुँचे हैं। तो क्या आप सब लोग मेहनत से पहुँचे हैं? बहुत अच्छी बात। तो आप किसकी मेहनत से पहुँची हैं? खुद की और टीचर्स की। और आप? और आप? आप भी खुद की और टीचर की। खुद की टीचर खुद की खुदा की खुद खुद की मेहनत से पहुँचे हैं। चलिए ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चे इतनी कामयाबी से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आसान नहीं है। तो हम लोग इन्हीं बच्चों से पूछते हैं वो कौन कौन सी मुश्किलात है जिनका सामना इनको करना पड़ा और जिसके बावजूद ये यहाँ तक पहुँच गए। तो पूजा कुमारी जी आप बताइए कि आप मैट्रिक में टोटल कितना नंबर लाई हैं? 469। 469। क्या आपको लगता है कि आपके टीचर को मैट्रिक एग्जाम दिलवा दिया जाए तो वो 469 ला सकते हैं? हाँ। ला सकते हैं। कौन ला सकता है? जब प्रकाश सर की विकास सर? पता नहीं है आपको, इसका मतलब दोनों में से कोई नहीं ला सकता। बाकी जमीर सर के बारे में क्या ख्याल है आपका? ला सकते हैं। जमीर सर ला सकते हैं। ताली बजाइए भाई। ये हुई बात। चलिए तो 469 लाने के पीछे आपकी कामयाबी का क्या राज है, कैसे पहुंची यहाँ तक? एकदम आराम से बोलिए। आपका ही चैनल है और आपकी कोचिंग है, इंटरव्यूअर भी आप ही का टीचर है। सर टीचर आप टेंशन में लग रही हैं? फिर आप टेंशन में लग रही हैं? रिलैक्स्ड होइए, इत्मीनान से बोलिए। बोलिए सर। कोचिंग के टीचर्स और स्कूल के टीचर्स गाइड किए हैं, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया है, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किए हैं। अपने माता पिताजी को उन कुर्बानियों का जिक्र कीजिए जो उन्होंने आपको पढ़ाने के पीछे की। हमारे माता जी काम का कोई प्रेशर नहीं देती थी और पापा भी कोई नहीं करते थे। ऐसा हम लोग को सुनने में आया है और हम लोग जानते भी हैं कि आप बहुत संपन्न परिवार से नहीं हैं, एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं। तो गरीब लोगों को पढ़ने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर आप बता सकती हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए। एकदम आराम से रिलैक्स होकर, परेशान मत होइए। आप नहीं बता सकती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपको गरीबी के बावजूद भी यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आप नहीं बता सकते। तो पूजा जी मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार की बच्ची होने के बावजूद भी क्या आपको यहाँ तक आने में आसानी रही कि आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और यदि मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? यहाँ तक हम आने में बहुत सारे मुश्किलों का मिस्कुलों तो कौन दिक्कत नहीं करे भाई, आराम से एकदम। जैसे कि कभी लाइट चले जाती थी तो लैंप वगैरह लेके पढ़ते थे, मम्मी खुद दिया में रह के कुछ काम कर सकती थी लेकिन हम लोग का लैंप प्रोवाइड करवाती थी कि लैंप पढ़ सको अच्छे से। अच्छा, आपका रिजल्ट देखने के बाद हम लोग को पता चला है कि आप मैथ में 98 नंबर लाई हैं। सच बात है? जी सर। चोरी से लाई हैं? नहीं सर। सीना चोरी से लाई हैं? नहीं सर। तो कैसे लेकर आ गई आप 98 नंबर? हम मैथ में ज़्यादा फोकस करते थे, मैथ हमने ज़्यादा फोकस किया था। तो सवाल ये है कि 98 आप लेकर आ गई हैं, दो नंबर कहीं रास्ता भटक गया था या फिर कोई दुश्मनी हो गई थी आपसे? सर उससे में कुछ हो गया, कुछ हो गया था शायद, उन दोनों में आपसे नाराज हो गया था। तो हम लोग मिस्टर फैजान से जानना चाहेंगे कि ये मैथ में 93 नंबर लाए हैं, तो इनका 7 नंबर कहीं रास्ता खो गया था, दुश्मनी हो गई थी या फिर कसम खाए थे कि 93 से ज़्यादा लाएंगे नहीं? थोड़ा गलती हो गया था सर, ऑब्जेक्ट थोड़ी गलती हो गई थी। थोड़ी गलती नहीं है बाबू, ये बहुत भयंकर गलती है। लेकिन ठीक है, 7 नंबर गलती कोई गलती होती है गलती होती है, ये हुई बात। तो हम लोग फैजान साहब से पूछना चाहेंगे कि फैजान एक बात बताइए कि आप 422 लाए हैं ना, ये बहुत खुशी की बात है कि आप 422 लाए हैं। तो यहाँ तक आप पहुँचे हैं ये अच्छी बात है, यहाँ से आगे आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? सर IIT से इंजीनियरिंग कर आप IIT करना चाहते हैं सर, और फिर IIT करके क्या करना चाहते हैं सर? बाहर जाकर थोड़ा समाज सेवा करेंगे।
तो अगर आप हम हमारे दर्शकों को बता सके, हालांकि आपके लिए बहुत मुश्किल सवाल है, कि समाज सेवा कैसे करेंगे? क्या कोई गरीब बच्चा आपके पास आएगा तो उसको आप पढ़ाने के लिए अपने पास से पैसा देंगे? जी सर, अभी दिखाने के लिए कह रहे हैं कि दिल से कह रहे हैं? दिल से कह रहे हैं सर। आप पढ़ लिखे क्या बनना चाहते हैं? हम भी IIT करना चाहते हैं। आप भी IIT करना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी तमन्ना है कि जिस तरह से गरीबी से आप बाहर निकल रहे हैं उस तरह से बाकी गरीबों को बाहर निकालेंगे? जी सर। पक्का? जी सर। दिल से? जी सर। कैमरा के सामने बोल रहे हैं झूठ मूठ का? जी सर। पक्का? जी सर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सितारा कुमारी से। इनका नाम ही सितारा नहीं है, ये सितारे की तरह चमक भी रही हैं, हालांकि चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान कम है इसलिए नाश्ता कम करके आई हैं, लेकिन सच है कि इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और गांव देहात में लॉकडाउन में रह के इतना पढ़ने बहुत बड़ी बात है। तो सितारा जी, आप ये बताइए कि आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के पीछे क्या कुर्बानी दी? मेरे माता पिता, मेरी माँ मेरे को काम करने की नहीं देती थी। तो आप पीछे हो जाएगी? मेरी माँ मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, कभी कभी मैं अपने आप कर देती थी। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने साइंस के टीचर विकास के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? जी। क्या कहना चाहती हैं? विकास सर बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। घटिया तो एक ही आदमी पढ़ाता है। जमीन सर, सब मतलब सब्जेक्ट अपने पूरा मतलब समाप्त कर दिए हैं, फिर रिवीजन भी कराए हैं हम लोगों का, टेस्ट भी लिए हैं। तो आपके यहाँ तक पहुँचने में विकास का बहुत बड़ा योगदान है। जी। चलिए, बहुत खुश बात है। अब हम लोग बात करते हैं मिताली से। मिताली ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है और ये बहुत खुशी की बात है कि बच्ची यहाँ तक पहुँचे। एक लड़की हो के पढ़ना ही अपने आप में चैलेंज होता है और गाँव देहात में और बड़ी मुश्किल बात होती है। तो हम लोग मिताली से ही पूछते हैं कि आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा या फिर आसानी से यहाँ तक पहुँच गई? इस साल COVID-19 से भी सभी लोग बहुत परेशान थे, हम लोग को पढ़ने में बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा। कितना बार तो बीच में हम लोग का पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुआ, कोचिंग स्कूल सारा बंद था, फिर भी सर लोग हमारे बहुत मेहनत करके हम लोग को पढ़ाए हैं और शाम सुबह दोनों टाइम पढ़ाई। आप टेंशन में लग रही हैं, रिलैक्स होइए, एकदम रिलैक्स होइए, आराम से बोलिए। शाम को भी 4 घंटा सर पढ़ाए हैं बुलाकर, और सुबह में पढ़ाई होता था, जब भी टाइम मिलता था तो हम लोग को बुलाकर पढ़ाते थे और ऑनलाइन भी क्लासेस चलाए हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि आपके कैमरे में आपके गुरुओं का बड़ा योगदान है? जी सर। क्या आप बता सकते हैं कि जयप्रकाश सर का क्या योगदान है? ये हम लोग को मैथ बहुत अच्छे से रिवीजन करवाए हैं और मैथ में बहुत अच्छे से जब भी सवाल फंसता था इन लोग से पूछते थे तो बहुत अच्छे से बताते।